हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में नंबर सिस्टम के 55 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया है पांच संख्याओं का माध्य 37 है और एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। यानी एक संख्या अगर हटाएंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 4 का कितना हो गया 40। यहाँ से अगर टोटल निकालेंगे तो 5 7 35 और 5 3 15 और 3 क्या हो गया 18 और 4 4 16 यानी 160। हटाई गई संख्या क्या है 25, यानी पहले टोटल कितना था 185, अब टोटल कितना है हटाने के बाद 160। तो यहाँ से निकल कर आया आपका 25 राइट आंसर, यानी हटाई गई संख्या क्या है 25 है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है पांच संख्याओं का औसत है 18 और एक संख्या हटा दी जाए यानी 4 संख्याओं का औसत रह जाता है 16। तो यहाँ से 18 5 90 और 16 4 64 यानी हटाई गई संख्या क्या है 6 और यहाँ से 26 यानी हटाई गई संख्या आपकी निकल कर आ गई 26। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी वर्ग में 35 विद्यार्थियों का औसत है 14 यानी 35 विद्यार्थियों का औसत निकल कर आया आपका 14 है और आगे इसने दिया शिक्षक के आ जाने पर यानी विद्यार्थी प्लस शिक्षक कितने हो गए टोटल मिलाकर 36 और 36 का अब एवरेज कितना हो गया आपका औसत 15 हो जाता है यानी एवरेज क्या हो गया 1 बढ़ गया। यहाँ से शॉर्ट मेथड भी अपना सकते हैं। यहाँ से पूछेगा क्या आपसे, यहाँ से पूछा है शिक्षक की आयु, तो यानी एवरेज में डिफरेंस किसके कारण आया, शिक्षक के कारण। तो एक एवरेज बड़ा है तो एक की मल्टीप्लाई इसके साथ करें या एक की मल्टीप्लाई इसके साथ करें, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जोड़ देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जोड़ देंगे, यानी 35 और 15 कितना हो गया आपका 50 हो गया, यानी शिक्षक जो आया था उसकी आयु क्या थी 50 वर्ष थी। यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं। यानी आप लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, शिक्षक के आ जाने के बाद कितने हो गए 36, 36 के आने के बाद एवरेज कितना हो गया 15, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे यानी जो भी एक्स आएगा और जो भी यहाँ से वाई आएगा आप एक्स में से वाई घटा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 50 का आएगा। तो ये 50 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, परंतु आप शॉर्ट मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम कम लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 विद्यार्थी प्लस शिक्षक की औसत आयु क्या है, 24 विद्यार्थी और एक शिक्षक क्या है 25 हो गए टोटल मिलाकर कुल, यानी 25 की एवरेज क्या दिया है हमें, 25 का एवरेज दिया है 16, यानी 24 विद्यार्थी और एक शिक्षक का एवरेज है 16 और शिक्षक की औसत आयु हटा दी जाए, सॉरी दोस्तों शिक्षक की औसत आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। यानी यहां से होना चाहिए था आपका कि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में क्या आ जाती है, 1 की कमी आ जाती है। तो यहां से 24 हो गई, शिक्षक को हटाया तो एवरेज आयु, सॉरी दोस्तों सही है ये क्वेश्चन में, यानी शिक्षक के हटाने से एवरेज आयु में क्या आती है, 1 की कमी आती है। तो औसत आयु में क्या है, 1 की कमी आती है तो कितना हो गया 15, यानी यहाँ से डिफरेंस क्या है 1 का, तो 25 से कम 25 और यहाँ से 25 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40, यानी हटाया गया शिक्षक कितने वर्ष का था 40 वर्ष का। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यह दिया है एक क्रिकेटर खिलाड़ी 10वीं पारी में उसका औसत रन क्या होता है 50, यानी क्रिकेट खिलाड़ी का 10वीं पारी में औसत रन क्या है 50, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने चाहिए कि अगली पारी में उसका औसत रन बढ़कर कितना हो जाए 55। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे लिखेंगे और शॉर्ट मेथड से अपना देंगे, यानी 11वीं पारी का हम क्या निकाल सकते हैं टोटल रन निकाल सकते हैं, इसे औसत कितना बढ़ा 5, 10 5 50 यानी इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये कितना रन हो गया 105, यानी 11वीं पारी में आपने कितना रन बनाया 105। और अगर यहाँ से नहीं पता चले तो आप 11 5 55 इसमें 55 जोड़कर यानी 105 रन बनाया आपने कौन सी पारी में,
में पानी में यहाँ पे याद कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक क्रिकेटर खिलाड़ी दसवीं पारी का औसत रन क्या है 32, यानी दसवीं खिलाड़ी का औसत रन क्या है उसका 32। और आगे उसने दिया अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाए, यानी 4 की वृद्धि होने से क्या हो 36 यहाँ से, यानी कितने की वृद्धि 4 की। और अगली पारी का मतलब है 11, यानी 11 चौक 44 32 में जोड़ दें या 10 चौके 40 36 में जोड़ दें, तो यहाँ से 6 और 76 यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाएगा टोटल 76। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्रिकेटर खिलाड़ी 10 पारियों का औसत रन क्या है 52, अगली पारी में वह कितने रन बनाएगी औसत रन में क्या हो जाए 5 की वृद्धि, तो यानी औसत क्या हो 57 यानी कितने की वृद्धि 5 की वृद्धि, कौन सी पारी में अगली पारी में, 11 5 55 इसमें जोड़ दें या 10 5 50 इसमें जोड़ दें, तो यहाँ से आए 107 यानी 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे 107 रन बनाने पड़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारियों की औसत रन क्या थी 60, यानी 12 पारियों की औसत रन थी उसकी 60, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन 5 की वृद्धि हो जाए, यानी 13वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन में क्या हो जाए 5 की वृद्धि, यानी 5 की वृद्धि हुई तो 12 5 60 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 125, यानी उसे 13वीं पारी में 125 रन बनाने पड़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया है 9 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत था, यानी 9 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी का औसत क्या था x, तो टोटल कितना आ गया 9x। आगे दिया है 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, अगर वह 10वीं पारी में 100 रन बनाता है तो औसत रन में क्या हो जाता है 8 पड़ जाता है, यानी पहले x था तो अब क्या हो गया x प्लस 8, टोटल कितना हो जाएगा 10x प्लस में 80। और यह कहता है कि 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, अगर 10वीं पारी में 100 रन बनाता है यानी 9वीं पारी में कुछ रन बनाए और 10वीं पारी में 100 रन और अधिक बनाता है जिसके कारण क्या हो जाता है 8 बढ़ जाता है, यानी 9वीं पारी में जो रन बनाए यानी x बनाया और इसने कितना बनाया इस पर x प्लस 100 बनाया जिसके कारण उसका एवरेज पहले था x और अब हो गया x प्लस 8, यानी इसमें x रन बनाया और इसमें बनाया x प्लस में 100। रनों का अंतर किस में है इन दोनों में, कितने का अंतर है 100 और हमारा यहाँ से रन कितने आ गए टोटल आया है ये, यानी ये है हमारा एवरेज। सो दोस्तों ये है संख्या और ये है एवरेज, अगर संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आता है, तो यहाँ से टोटल है हमारा 10x, यानी बड़े में छोटा कराएंगे 10x प्लस में 80 माइनस कर दें अगर 9x तो हमारा अंतर किसके बराबर आता है 100 के, क्योंकि 10वीं पारी में उसने क्या रन बनाया है 100 रन अधिक बनाया है, तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस में 80 बराबर आ गया 100 और x बराबर आ गया आपका 20, यानी पहले उसका एवरेज क्या था 20 था और अब नया एवरेज उसने पूछा है कि नया एवरेज क्या है, नया एवरेज आपका निकल कर आ गया 28, तो यहाँ से 28 आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 7 विषयों में रमन के औसत अंक कितने हैं 80 हैं, यानी 7 में उसके औसत अंक कितने हैं 80 और विज्ञान विषय को छोड़कर 6 विषयों में उसके औसत कितने हैं 82, यानी एक विषय घटाया है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे घटा देंगे, यहाँ से 2 एवरेज अंतर है 7 × 14 इसमें से घटा दो या 6 × 12 इसमें से घटा दो, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 1 गया 6, यानी 68 उसके क्या थे विज्ञान विषय में कुल अंक थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, सर्वोत्तम तीर अंदाज क्या करता है 85 अंक प्राप्त किए, यानी जिसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए 85 और अगर वह 92 अंक प्राप्त करता, अगर यानी 92 अंक प्राप्त करता
यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए हों, यानी सर्वोत्तम अंक कितने प्राप्त किए, 85, और यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए हों तो आपका एवरेज कितना निकल जाता है, 84, और टोटल कितने थे, 8, यानी 8 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, 84। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67, यानी उन्होंने 8 व्यक्तियों ने अगर वह सर्वोत्तम अंक 92 प्राप्त करता तो एवरेज आता 85 और टोटल कितना होता, 672। परंतु उसने प्राप्त कितने किए, अगर करता 92 तो टोटल आता 672, परंतु उसने किए कितने, 85 अंक, यानी कितने कम किए, 7 अंक कम किए, तो हम इसमें से 7 अंक कम कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 665 अंक, यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 665 अंक प्राप्त किए। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 20 वर्ष की आयु वाले एक लड़के के बदले एक नए लड़के के आ जाने से 24 लड़कों के समूह का औसत 3 माह घट जाता है। यानी 24 लड़के हैं और 3 माह घट गया, तो यानी कितने माह घट गया, 72 माह घट गया, यानी इसे 12 से भाग करें तो ये 6 वर्ष घट गया। अगर 6 वर्ष घटा है तो ये कितने में घटा है, यानी 6 वर्ष टोटल में से घट गया, तो 20 वर्ष वाले लड़के के बदले कौन से लड़के आएंगे, 14 वर्ष वाले, यानी पहले कितने थे, 20 वर्ष वाले, और 6 वर्ष वाले घट गया, तो यानी अब कितने के आएंगे, 14। तो इसमें पूछा है नए लड़के 24 लड़कों के समूह हैं, यानी नए लड़के आने से 24 लड़कों के समूह का औसत 3 माह घट गया नए लड़के की आयु, यानी पहले क्या था, 20 वर्ष के लड़के थे, वो क्या हो गए, चले गए, उनके स्थान पर क्या आ गए, 14 वर्ष के लड़के आ गए, जिनसे औसत 3 माह घट गया 24 लड़कों का। यहाँ से समझ में आ गया वो दोस्तों आपको। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 वर्ष वाली 10 लड़कियों के बदले नई 10 लड़कियां आई, यानी 10 लड़कियां गई और 10 लड़कियां आई, परंतु 15 वर्ष की 10 लड़कियां क्या हो गई, चली गई, और 50 लड़कियों के समूह की औसत आयु 6 महीने घट गई, यानी 50 लड़कियों के समूह की 6 महीने घट गई, तो 300 महीने घट गए। वर्ष में कितना आएगा, 12 गुना 24 और 12 5 60, यानी 25 वर्ष क्या हो गई, घट गई, और यहां से कितनी की है, 10 की, यानी वहां से 1 से था तो हमने 6 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 1 ही 6 ही आएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, परंतु इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ये क्या है, 25 वर्ष 10 की घटी है, तो यहां से 1 की कितनी हुई, 2.5 वर्ष घट गई, यानी पहले क्या थी, लड़की 15 वर्ष की गई जो हमारे पास थी, और आई क्या है, 2.5 वर्ष की ज्यादा आई है, क्योंकि औसत, सॉरी दोस्तों, ये 300 माह घटा नहीं है, बढ़ा है, मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा नहीं, यहां से दिया है कि ये 300 माह बढ़ गया, तो यहां से क्या हो गया, 25 वर्ष बढ़ गया, और 10 लड़कियों का अगर 25 वर्ष बढ़ेगा तो एक लड़की कितना बढ़ गया, 2.5 वर्ष, यानी 15 वर्ष वाली लड़की गई और क्या आई, 17.5 वर्ष वाली लड़की नई शामिल हो गई। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, 38 है, यानी 50 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, 38 है, परंतु यदि पास होने वाले को क्या है, 40, ये है आपके पास, और फेल होने वालों का औसत क्या है, 30, ये क्या है, फेल, यहां से हम क्या कर देंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे, 40 में से 38 जाएगा क्या आएगा, 2, और 38 में से 30 जाएगा तो क्या आएगा, 8, यानी 8:2 आ गया, यानी 4:1 हो गया, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5,
और हमारी परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे? टोटल 50। 50 को 5 से भाग किया तो आया 10, यानी एक रेशियो की वैल्यू 10। तो 40 क्या थे? पास होने वाले। 10 क्या थे? फेल होने वाले। हमसे पूछा गया है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कि आपकी 40 है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी परीक्षा में लड़कों का औसत अंक कितना है? 71, यानी लड़कों का है 71 और लड़कियों का है 73। आगे इसने दिया है स्कूल का औसत अंक कितना है? 71.8। अगर यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये 71 में से अगर 71.8 में से अगर 71 जाएगा तो ये आएगा 0.8, अगर 73 में से जाएगा तो ये आएगा 1.2। यहाँ से अगर पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 4 3 12 और 4 2 8, अगर टोटल करेंगे तो यह आया 5। और यहाँ से हमसे टोटल पूछा ही नहीं गया, यहाँ से अनुपात ही पूछा गया है, तो 3:2 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? 40, और लड़कों का औसत भार 50 है और लड़कियों का औसत भार क्या है? 40 ग्राम है, यानी लड़कों का 50 और लड़कियों का 40 किलोग्राम। यहां से घटाया तो आया 4 और यहां से घटाया 6, यानी 3:2, यानी हो गया टोटल 5। कक्षा में क्या थे? 100 विद्यार्थी, 100 को 5 से भाग किया तो आया 20, यानी 1:1 की वैल्यू निकल कर आई 20। तो 20 दिया 60 और 20 × 40 जो भी हमसे पूछा जाए वही हमारा यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा। लड़कों का पूछा है तो लड़कों ये थे 50, यानी यहाँ से लड़कों का भार था 50 किलोग्राम, तो लड़कों की संख्या आ गई 60। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? सभी कर्मचारियों का 800। यानी दोस्तों अगर आपको पता नहीं लगे एलिगेशन में कौन सा कहाँ पर रखना है तो बीच में क्या आता है? बीच का, यानी एक साइड में बड़ी संख्या और एक साइड में छोटी संख्या, बीच में क्या आता है? बीच का। तो वहां से क्या लगता है? एलिगेशन। परंतु अक्षरों और अक्षरों का औसत क्या है? 4800, यानी अक्षरों का औसत है 4800 और सभी कर्मचारियों का 800 और क्लर्कों का कितना है? 600। और 600 800 में 600 घटाएंगे तो आएगा 200, 4800 में से 800 घटाएंगे तो यहाँ से अंतर लेना होता है दोस्तों, 4800 में से 800 घटाएंगे तो क्या आ गया? 4000। 20 से 20 काटी, 1:1 क्या आ गया? 20, यानी हमारे पास कलरक है 20 और एक है अप्सर। इसने दिया है अप्सरों की संख्या 10, यानी 1:1 की वैल्यू 10 है, तो इसने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10, और 20 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, यानी कलरकों की संख्या पूछी गई है 200, यहाँ से क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी एक्स दिया है आपको 1 2 3 4 और 6 और एफ दिया है आपको 2 4 6 8 और 10। यहां से निकालना है आपको माध्य, यानी जब भी माध्य दिया जाए तो यहां से एक फार्मूला लगता है, इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये हमारा माध्य का फार्मूला होता है दोस्तों यहां से। परंतु यहां से पहले हम क्या याद करेंगे? सिग्मा एफ एक्स याद करेंगे, यानी यहां से क्या है दोस्तों, x एक संख्या है जो f क्या है उतनी बारी क्या है रिपीटेड है, यानी 1 क्या है 2 बार है, 2 क्या है 4 बार है, 3 क्या है 6 बार है और 4 क्या है 8 बार है और 6 क्या है 10 बार है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन्हें देखेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो आएगा 2 और 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 और 3 × 4 क्या हो जाएगा 18 और 4 × 8 क्या हो जाएगा 32 और 6 × 2 क्या हो जाएगा 60। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ की एक्स के साथ क्या हुई है मल्टीप्लाई। और यहां से हम निकालेंगे
सिग्मा एफ, यानी 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 10 30, सिग्मा एफ आया आपका 30 और सिग्मा एफ एक्स यहाँ से हो जाएगा 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100 और 10 110, और यहाँ से हो गया 120। यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन में करते हैं सिग्मा एफ, तो यहाँ से 120 अपॉन में 30, तो यहाँ से क्या आया 4 4। इस क्वेश्चन का क्या है माध्य है दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 7 3 9 8 6, 7 3 9 8 6। आगे दिया है 7 4 2 5 7 11, 4 2 5 7 और 11, यानी 7 4 28, 3 2 6 9 5 45, 7 8 56, 11 6 66, और यहाँ से ये क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन में कर देंगे सिग्मा एफ 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 7 18, 18 और 10 28 और 1 क्या हो गया 29। आप इन 8 और 29 से भाग कर देंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ये आप आगे कर लेना दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक्स और एफ की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू दी है 2 4 6 8 और 10, इस एफ की वैल्यू है 3 7 4 2 और 9। अगर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ से 2 3 6 7 4 28, 4 6 24, 8 2 16, 10 9 90 को जोड़ेंगे और सिग्मा एफ कर देंगे 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16 और 9 क्या हो गया 25। 25 से आप इसे भाग कर देंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, दिए गए आंकड़ों का माध्य 21 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। यानी माध्य आपको दिया गया है 21, माध्य सभी क्वेश्चनों का आगे क्या है, आगे दिए गए 2 क्वेश्चनों का माध्य क्या है 76 और 77 नंबर का 21। यहाँ से आपको P की वैल्यू क्या करनी है याद करनी है। तो यहाँ से क्या है X और F की वैल्यू दी गई है। X की वैल्यू है 10 15 20 25 और 35, और F की वैल्यू दी गई है 6 10 P 10 8, और यहाँ 6 के 60, 15 10 150, 20 की P के साथ करेंगे तो 20 P, और 25 की 10 के साथ करेंगे तो 250, और अगर 35 के 8 से करेंगे 35 गुना 70 और 7 4 28 यानी 280। अगर यहाँ से आप जोड़ेंगे 200 300 400, और यानी 8 और 6 14 यानी 340, ये हो गया 740 प्लस 20 P, यानी इसे हम लिख सकते हैं 740 प्लस में 20 P अपॉन में लिखेंगे 6 10 और 10 20 और 8 28, 28 और 6 34 प्लस में क्या हो जाएगा P, और इनका माध्य क्या है 21 के बराबर। 21 की उधर जाकर क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा ये 740 प्लस में 20 P बराबर हो जाएगा 34 एकम 34 का आ गया 4 और 34 गुणा 68, 68 और 3 71। आगे हो गया आपका 21 P प्लस में 21 P, यानी 21 P 20 P उधर चला जाएगा और 714 इधर आ जाएगा, यानी 714 इसमें से घटा देंगे, 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6, और यहाँ से 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 बराबर आ गया P, यानी P की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई आपकी 26। 26 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ से दिया है दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए,
सी आई आपको दिया गया है 0 से 10 तक और 10 से 20 तक और 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 40 से 50 तक। तो यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और f की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। यहाँ से x की इन दोनों के बीच की संख्या आती है 10 और 15 के बीच में 15 और 20 और 30 के बीच में 25, 35 और 40 के बीच में 35 और 40 और 50 के बीच में 45। फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 3, 5, 8 और 2, यानी 5 क्या है 2 बार। तो इसे टोटल क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ से 10 प्लस में 15 दिया क्या है 45, 55 क्या है 125 और 35 8 35 70 280, 45 क्या है 90 और इसे आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे सिग्मा एफ कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सिग्मा एफ क्या है 2, 3, 5, 5 और 5, 10 और 10 क्या हो गया 20, 20 से भाग कर देंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन ज्ञात करना है। तो हमें दिया है 8, 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11, 12, 4, 11, 12 और 4। जब भी मीडियन या माध्यिका निकालनी हो तो हम दी गई संख्या को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। हम अब इन्हें क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। यानी सबसे पहले क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा निकलकर 2, यानी 2 को काटा यहाँ से लिखा 2, 3 को काटा यहाँ से लिखा 3 और यहाँ से काटा 5 तो हमने लिखा 5। यहाँ से 2 एक बार और था दोस्तों, यहाँ से लगाया 2 तो ये 2 भी कट गया। आगे लिखा है 6 तो हम लिखेंगे 6, 6 को काट दिया। आगे लिखा है 7 तो हमने 7 लिख दिया। आगे लिखा है 8 और ये 9 और ये 10, यानी ये 8 और ये 9 और ये 10। आगे 11, 12 भी दिया है 11 और ये 12, ये 4 रह गया दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ से लिख देंगे 4। यानी सभी को क्या लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। तो यहाँ से 2 इधर काटे 2 इधर काटे 2 इधर काटे 2 इधर काटे 1 और यहाँ से 1 और 6 और 7 के बीच में क्या आएगा 6.5, यानी 6.5 क्या है आपका मीडियन निकल कर आ गया। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्न आंकड़ों की माध्यिका 24 है तथा इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी आपको मीडियन क्या है बढ़ते क्रम में पहले ही दिया गया है। तो यह है 11, 12, 14, 18, x+2, x+4, आगे दिया है 30, 32, 45, 30, 32, 35 और दिया है 41। यानी 4 संख्याएं इधर काटी और 4 संख्याएं इधर काटी। तो यहाँ से आया x+2, x+4 अपॉन में क्या कर देंगे 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं 2 से डिवाइड होगा और ये किसके बराबर है, ये माध्यिका क्या है 24 के बराबर है। 2 इधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x+6, क्योंकि x और x क्या होगा 2x 4 और 2 6, 24 गुना 48 और 6 इधर जाकर क्या होगा माइनस का 2x बराबर क्या आ गया 42। 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 21, यानी 21 इस क्वेश्चन का क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर हो गया। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 8, 7, 6, 1, 12, 9, 11, 15 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी पहले माध्यिका ज्ञात करनी है। उसके पश्चात दिया है यदि 7 के स्थान पर 14 कर दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी 8, 7, 6, 1
12, 9, 11, 15, 9, 11 और 15। पहले तो इनकी माध्य ज्ञात करनी है, यानी आरोही क्रम में लगाएंगे, 1, 6, 7, 8, यानी 1, 6, 7, 8 बटा। फिर आया हमारा 9, 11 और 12 और 15। तो यहाँ से क्या होगा, एक इधर यानी 2 काट दिए 2 इधर, फिर एक, यहाँ से क्या आ गया 8.5, यानी पहली मादी का क्या है 8.5। आगे हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, आगे दिया गया है, इसने कहा है कि 7 के स्थान पर 14 कर दिया जाए, यानी 7 को यहाँ से हम क्या करते हैं काटते हैं और हम क्या लिखें 14। तो 14 कहाँ से लिखा जाएगा, 15 से पहले क्या लिखा जाएगा, 14 लिखा जाएगा, यानी 14 और ये क्या हो गया 15। तो यहाँ से दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ से ये क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस में हो गया। तो हम 2 इधर काटे और 2 इधर काटे, फिर क्या करें 1 और 1 काटे, 9 और 11 के बीच में क्या आएगी 10, 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना और शेयर करना, और अगर क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।